रिलैक्स, नो से इनहेल, नो से एक्सहेल, नो से इनहेल, नो से एक्सहेल. अभी देखो, नो से इनहेल, नो से एक्सहेल, नो से इनहेल, नो से एक्सहेल. दोनों पैरों में क्या कम से कम 3 से 4 फीट का, दोनों हाथों को ओपन किया, ठीक है. और राइट साइड वाले पैर का पंजा बाहर, और पैर को पीछे वाले पैर को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, और यहाँ पे होल्ड, ठीक है. जिसको घुटने में दर्द है थोड़ा ज़्यादा नहीं करना है, बाकी सबको पीछे वाला पैर भी थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, ये और होल्ड 10 सेकेंड. और फिर यहीं से साइड चेंज, फेस अप और डाउन, ठीक है. कमर को ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना है, अपर बॉडी को सेंटर में रखना है, ये और होल्ड. और फिर धीरे से वापस आ जाओ, दोनों पैरों में क्या, हाथों को ऊपर, राइट साइड, राइट वाले पैर का पंजाबी और डाउन, होल्ड, वेरी गुड. होल्ड करके रखो, बैलेंस बनाओ, फेस अप, एक जगह देखो. 10 9 8 7, वेरी गुड. होल्ड करके रखो. 6 5 4 3 2 1, बहुत आराम से वापस साइड चेंज, साइड चेंज, हाँ वेरी गुड. फेस अप और डाउन, फेस अप डाउन, फोर्ड. चलो श्रेवा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, धीरे से वापस एक बार और रिपीट करेंगे. दोनों पैरों में गैप रखो, फिर राइट साइड, दोनों हाथों को ऊपर, राइट साइड पूरा ट्विस्ट, हाँ, और होल्ड. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, धीरे से वापस साइड चेंज, हाँ अपोजिट साइड, होल्ड. डाउन, फेस अप, कमर पीछे की तरफ, होल्ड. 10 9 8 7 6 5 4, फेस अप, भावना माँ, 3 2 1, रिलैक्स. दोनों पैरों में क्या, फेस अप. जिसको सर्वाइकल है, फेस को बिल्कुल ऊपर करके रखना है. कमर में दर्द है, फेस जितना ऊपर रहेगा बैक सीधी रहेगी, ठीक है. और बाकी सारे पूरा नीचे फेस को ड्रॉ. जिसको सर्वाइकल है वो फेस ऊपर रखना, ठीक है. और क्या करना है, दोनों पैरों में गैप रहेगा, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए. सबसे पहले राइट साइड जाएंगे, धीरे धीरे वॉक करके, ठीक है. और होल्ड यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड. और फिर धीरे से अपोजिट साइड, चाहे कम जाओ लेकिन घुटने नहीं मुड़ने चाहिए. अगर यहीं तक बॉडी अलाउ करिए तो यहीं तक जाओ, ठीक है. ज़रूरी नहीं है आपको पहली बार में ही पूरा जाना है, लेकिन घुटने नहीं मुड़ने चाहिए. 10 सेकेंड होल्ड. और फिर सेंटर पे आना है, जिसको सर्वाइकल है यहीं पे होल्ड करना है, ठीक है. कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, यहीं पे होल्ड करना है. और बाकी सारी क्या करेंगे, अपना जो क्राउन एरिया है नीचे मैट पे लगाएंगे, घुटना सीधा और होल्ड, ठीक है. जितना लग सकता है कोशिश करना पूरा लगे, और यहाँ पे होल्ड. और फिर धीरे से इस तरीके से बैठ जाते हैं, ठीक है. आ जाओ, दोनों पैरों में गैप, दोनों पैरों में गैप और बढ़ाओ, भावना माँ, हाँ अच्छे से. और हाथ को ऐसे रखो, जितना ज़्यादा गैप बढ़ाओगे हाथ को इजीली नीचे आ पाओगे, फेस ऊपर, हाँ. भावना माम, जिसको भी लोअर बैक में दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, अगर इन केस दर्द आता है, चक्कर से आते हैं, तो धीरे से वापस आ जाना और बताना. चलो राइट साइड, राइट साइड, लेग्स, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, जहाँ स्ट्रेच आ रहा है वहाँ पे होल्ड. 10 9, ऋतु माम करो, कहाँ वॉक कर रहे हो, 8 7 6 5
फोर थ्री टू वन। धीरे से वापस। रितु मैम आप साथ में जिसको करा रहे हो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो अकेले खुद से कर रही है, मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। अपोजिट साइड ऐसे नहीं कराओ। टेन नाइन एट, चलो 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 अनिता मैम चलो। सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। धीरे से सेंटर में। हाँ कोशिश करो, जिसको सर्वाइकल नहीं है, नेक का पेन नहीं है, अपने क्राउन एरिया हेड को टच करने की। और होल्ड होल्ड नीचे। हाँ रुको वहीं पे, घुटने सीधे। किरण माँ घुटने नी बैंड हो गए तो कोई फायदा ही नहीं है। होल्ड टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। धीरे से वापस। धीरे से वापस, आराम से बैठ जाओ इस तरीके से। रितु मैम आप करो, ऐसे मत कराओ किसी को, ना मैं आपको अच्छे से देख पा रही हूँ ना मैं उनको अच्छे से देख पा रही हूँ। आप समझो बात को, है ना। आप भी करो, आपको भी नहीं अच्छे से देख पा रही हूँ फिर आप भी नहीं कर पाओगे। दोनों पैरों में क्या, दोनों पैरों में क्या, ठीक है एक बार पहले देखो। दोनों पैरों में क्या, जितना आपका शोल्डर लेवल है। दोनों हाथों को इस तरीके से कवर पे रखना है, फेस अप। और क्या करना है, टेन टाइम्स यहीं पे रहना है, नीचे नहीं बैठना हर बार, ठीक है यहीं पे रहना है। और सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, टेन टाइम। और टेन पे इस तरीके से उस पीछे जाना है, उष्ट्रासना में कमर को बाहर और होल्ड, ठीक है यहाँ पे होल्ड करना है 10 सेकेंड। और फिर धीरे से वापस आ जाओ, कमर पे हाथ रखो। हाँ दोनों हाथ कमर पे रखो। हाँ सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए पीछे, टेन टेन करो। रितु मैम गर्दन नहीं लेके जाना है, कमर को पीछे लेके जाना है। टेन पे 10 सेकेंड होल्ड मैक्सिमम पीछे। उष्ट्रासना में आके होल्ड करना है, दोनों हाथों को पीछे लेके जाओ। रितु मैम इसीलिए बोल रही थी, आप देखो खुद को लिए भी नहीं देख पाए ना, आपको पता ही नहीं है क्या करना है। रुको ऐसे नहीं, वापिस आओ, वापिस आओ, जिसको कंफ्यूजन है एक बार देखो। दोनों पैरों में क्या, बाकी जो कर रहे श्रेया मैम आप सब 10 सेकेंड खुद से काउंट करो, फिर एक बार मैं खुद से कराऊंगी। देखो इस तरीके से पीछे जाना है और स्टमक को आगे की तरफ स्ट्रेच, पूरा पीछे ड्रॉप, यहाँ पे होल्ड, ठीक है। और फिर धीरे से वापस। चलो एक बार सारे वापस आओ, एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे, एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे। आ जाओ, बहुत अच्छा है फैट लॉस के लिए, लोअर बैक के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। चलो भावना मैम अच्छा है आपके लिए, आ जाओ। क्या कह रहे हो निशा मैम जल्दी से बताओ।
में पेन इससे आएगा ही नहीं, नेक का पेन इससे सही हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, इस वजह से ऐसा हो सकता है, बट कोशिश करो, झटका नहीं देना है, आराम आराम से जाओ, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या, हाँ वो स्ट्रेच आता है ना, ये तो अच्छी बात है, स्ट्रेच आता है। जब आप पीछे जाओगे और अच्छे से जाओगे ना, तो देखो ये थाई में भी आएगा, नेक पे भी आएगा, ठीक है, ये वाला फैट भी पूरा जाएगा, यहाँ पे भी पूरी जॉ लाइन आएगी, ये भी आएगा, और अच्छे से जाओगे तो ये स्टमक में भी आएगा स्ट्रेच, ठीक है। चलो अभी एक साथ जाते हैं, मैं काउंट करूंगी, आ जाओ, दोनों हाथों को कमर पीछे लेके जाओ, उस आसना में दोनों पैरों को टच करना है, हाँ वेरी गुड, और स्टमक को आगे की तरफ खींचो और होल टाइम में देख लियो, मैक्सिमम स्ट्रेच, आगे खींचो बॉडी को, होल्ड, बहुत अच्छा किया हुआ है, और स्ट्रेच करो आगे की तरफ, स्टमक को आगे की तरफ, निशा मैम आने दो थाई में, बहुत अच्छा आ रहा है। लवलीन मैम वापिस नहीं आना है, एक मिनट तक रुको वहीं पे, भावना मैम कोई वापिस नहीं आएगा, हाँ अच्छी बात है, आने दो, बिल्कुल सही आ रहा है पेन आपको, होल्ड होल्ड, स्ट्रेचिंग वाला है उसमें तो मजा आना चाहिए, चेंज आ रहा है, चलो अब वापिस कोई नहीं आएगा, चलो 10 सेकंड के लिए वापिस कोई नहीं आएगा, जो आएगा वो अकेले एक मिनट और करेगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 धीरे से वापस, हाँ इस तरीके से वज्रासन में आ जाओ, और देखो नेक्स्ट क्या करना है, इस तरीके से वज्रासन में आ जाओ और नेक्स्ट देखो क्या करना है, सारे वज्रासन में बैठना, मुझे देखना अच्छे से क्या करना है, फिर जब मैं आपको देखूंगी तब आप करना, ठीक है। इस तरीके से आना है पर्वतासन में, और कोशिश करना जो आपके पैर के पंजे हैं पूरी तरीके से मैट पे रखे हों, आपके हील्स भी दोनों हाथों के बीच में देखना है, और यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड, होल्ड मैं काउंट करूँगी, आपको सांसों पे ध्यान लगाना है, और इसके बाद राइट पैर को सबसे पहले राइट वाले हाथ के बाहर रखना है, ठीक है। अगर कम आता है जैसे यहाँ तक आता है तो उंगलियों से धीरे 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 जितना आगे आ सकते हो आना है, ठीक है, और हाथ के बाहर रखना है, फेस अप, और अगर आप कर सकते हो तो एल्बो पे इस तरीके से डाउन, पीछे वाला घुटना उठा रहेगा, और अगर ऐसे आने में इन केस प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे होल्ड, ठीक है, बाकी कोशिश करना एल्बो पे डाउन यहाँ पे 10 सेकेंड बस, और फिर धीरे से वापस पैर को भी वापस लेके जाओ, और अपोजिट पैर आगे लेफ्ट वाले हाथ के बाहर, और एल्बो डाउन और होल्ड, और पैर देखो बाहर की तरफ ना जाए ऐसे लगा रहे, ठीक है, और फिर दोनों पैर पीछे नी डाउन और रिलैक्स, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे, आ जाओ सबसे पहले पर्वतासन में आओ, और अपने हील को भी नीचे टच करो, अच्छे से दोनों हाथों के बीच में देखो, जो भी हमारे साथ ऑनलाइन कर रहे हैं प्लीज शेयर, जितना आप शेयर करोगे उतने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जिसको भी वीडियो पसंद आ रही है मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन मेरे साथ रोज क्लास करने वाला है, और आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, जिससे मुझे पता चले प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है, एंड जो भी करना चाहता है फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे जब भी मैं लाइव आऊँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है और कौन कौन रोज मेरे साथ करने वाला है। होल्ड करो होल्ड करो, हाँ जी वो स्ट्रेचिंग का धीरे धीरे पड़ेगा, ठीक है, वो स्ट्रेच फील करो, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, कोशिश करो टच हो, फर्स्ट डे ही नहीं होगा, धीरे धीरे होता है, होल्ड करो, हाँ दोनों हाथों के बीच में 10 9 वापिस नहीं आ रहा है, 8 घुटने सीधे बिल्कुल, 7 6 रुक जाओ निशा मैम साथ में चलो, 5 4 3 2 1 वेरी गुड, राइट वाला पैर राइट वाले हाथ के बाहर,
हाँ, फेस अप, फेस अप, और कोशिश करो दोनों एल्बो डाउन, जो कर सकते हो, और सामने देखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापिस, हाँ, लेफ्ट वाला पैर लेफ्ट वाले हाथ के बाहर, और एल्बो डाउन, और होल्ड। सामने देखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 करो, 2, 1। धीरे से वापिस, हाँ, नी डाउन, और वज्रासन में बैठ जाओ। दोनों पैरों को करो सीधा, और लेफ्ट टू राइट मूव, लेफ्ट टू राइट मूव। अभी जो हम कर रहे हैं, जिसको भी घुटनों में दर्द रहता है या फिर एंकल में दर्द रहता है, पैर के तलवों में दर्द रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है, तो अच्छे से करना। और जिसको नहीं है, वो भी आने वाले टाइम में कभी भी आपको घुटनों से रिलेटेड, एंकल से रिलेटेड या फिर पैरों के तलवों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फास्ट फास्ट, पहले फास्ट, लेफ्ट टू राइट मूव, फास्ट। फेस ऊपर, फेस ऊपर, लास्ट 10 सेकेंड, फास्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, धीरे से दोनों पैरों को पास लेके आओ, दोनों पैरों को पास लेके आना है, और पैरों के पंजे पूरा सकल, पूरा दोनों पैरों के पंजों को इस तरीके से जितना हो सके बाहर की तरफ ले जाते हो, पूरा सर्कल बनाओ। अभी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैरों के पंजे बाहर, स्ट्रेच करो, जो नसों में मसल स्ट्रेच हो रही है फील करो। हाथों को पीछे ही रखो, मैं बता रही हूँ आपको। पैरों को आगे स्ट्रेच, पैरों के पंजों को आगे की तरफ स्ट्रेच, बाहर की तरफ। होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1। अपनी तरफ मैक्सिमम, अपनी तरफ काफ मसल स्ट्रेच होनी चाहिए। अरे तमाम कैमरा सही करो। होल्ड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बाहर की तरफ एक बार दोबारा, पैरों के पंजे मैक्सिमम खींचो, बाहर की तरफ स्ट्रेच करो जितना कर सकते हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपनी तरफ खींचो मैक्सिमम जितना खींच सकते हो, और खींचो और खींचो और खींचो, पूरा काफ मसल स्ट्रेच होनी चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, पैरों की उंगलियां फास्ट फास्ट, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, पैरों की उंगलियां फास्ट। फास्ट 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 फास्ट, और अभी देखो, राइट वाला पैर फोल्ड किया, राइट वाले पैर को फोल्ड किया इस तरीके से, और दूसरे दोनों हाथों से अपनी थाई को इस तरीके से ग्रिप किया अंदर से, ठीक है। कमर सीधी, फेस अप, और ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, साथ में चलो, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लाइक अब कैमरा आपने जैसे रखा हुआ है, मुझे लग रहा है आप नेटिव हो, कैमरा सही करो, करते रहो। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन,
ब्रीथ आउट, रिलैक्स दोनों पैरों, हाथों को इस तरीके से फिंगर इंटरलॉक और अपने पैर के पंजे पे कोशिश करो। हाँ ठीक है, पैर के पंजे को ग्रिप करो, पैर के पंजे को अच्छे से, ये देखो ऐसे, दूसरा पैर सीधा है ये, और इस तरीके से पैर के पंजे को ग्रिप करो। ठीक है, अपर बॉडी सीधी और होल्ड, घुटना सीधा, जो स्ट्रेच आ रहा है फील करो, घुटने पे भी स्ट्रेच आएगा, घुटने के पीछे स्ट्रेच आएगा, पूरे पैर पे होल्ड करो। 10, चलो 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 रवलीन मैम, चलो घुटना सीधा, निशा मैम घुटना सीधा, होल्ड। 10, 9, 8 घुटना सीधा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बहुत धीरे से वापस पैर को सीधा करो। अपोजिट पैर, लेफ्ट पैर बैंड, दोनों फिंगर इंटरलॉक इस तरीके से, फेस अप और ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 करते रहो। अभी दोनों फिंगर इंटरलॉक, दोनों पैरों के पंजों को इस तरीके से ग्रिप करो अच्छे से, कमर सीधी और होल्ड, कमर सीधी घुटना सीधा, होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6 चलो रवलीन मैम, कोशिश तो करो जितना हो रहा है, थोड़ा तो होगा, चलो कोशिश करो रवलीन मैम, खाली नहीं बैठना बिल्कुल भी। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1 धीरे से वापस पैरों को करो बिल्कुल सीधा। अभी सुनो, जिसको घुटनों में दर्द रहता है ठीक है थोड़ा सा भी, तो जब वो ये करेंगे खुद से, आपको कब करना है, एक तो रात के टाइम कर लेना सोने के टाइम, बस ये वाला जो घुटने वाला मैंने बताया है ठीक है, और करने से पहले घुटनों पे किसी तरीके का ऑयल लगा लेना, अगर मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, तो वो भी चलेगा ठीक है। अभी दोनों पैरों में गैप करो, सरसों का तेल या कोई भी आपके पास अगर ऑयल है वो लगा के घुटनों के लिए स्पेशली, और फिर आपको ये वाला जो मैंने पैरों का स्ट्रेच करवाया है तब करना है ठीक है। चलो एक और बता रही हूँ, वो भी करना है ठीक है। घुटनों पे दोनों हाथ रखो ठीक है, और घुटनों को टाइट करना है, रिलैक्स होना है, टाइट करना है, रिलैक्स होना है, करो मसल्स को टाइट करो, रिलैक्स हो, टाइट करो, रिलैक्स हो। टाइट करके रखो और होल्ड, टाइट करके रखो घुटनों को, टाइट 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 अंदर की तरफ खींच के होल्ड। 10, टाइट रखना, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स ठीक है। दोनों पैरों में गैप जितना आपका योगा मैट अच्छे से, दोनों फिंगर इंटरलॉक, दोनों हथेलियां बाहर की तरफ, 29 क्लॉकवाइज, 29 एंटी क्लॉकवाइज, चक्की चला दो। दोनों पैरों को टच करके जितना पीछे जा सकती हूँ, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, हाँ करते रहो, कंप्लीट करके ही रुकना है।